हाय डियर स्टूडेंट, आज जो है हम आपको जो एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, हमारे टेक्स्ट बुक्स में जो एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा जो दी हुई है वो 1/2 दी हुई है, वो डायरेक्ट वैल्यू दी हुई है। और आज हम आपको समझाएंगे कि ये जो एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा 1/2 कैसी आती है। तो इसमें सिंपल ऐसा मैथमेटिक्स है डियर स्टूडेंट, तो ये जो वैल्यू जो है 0 to 2π और 0 to π इसमें दोनों पे सेम आती है। ओके, तो 0 to 2π पे एवरेज वैल्यू कैसी होगी ये हम आपको समझाएंगे। ओके, तो उसका जो फॉर्मूला जो होता है, ये फॉर्मूला, ये एवरेज वैल्यू का सिंबल है कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 2π कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन 0 to 2π डी थीटा। ओके, तो उसके बाद ये जो है ये 0 to 2π, इसका डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, डी थीटा का इंटीग्रेशन होता है थीटा। ओके, और उसके बाद अगर लिमिट अगर सब्स्टिट्यूट अगर करते हैं इंटीग्रेशन लिमिट, तो यहाँ पे हमें 2π मिलेगा। यानी यही जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला आप कैसा होगा, हम इसको कैसे लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू 1/2π 1/2π 0 to 2π कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ओके, अब ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है, ये कॉस स्क्वायर थीटा को हमें इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। और इंटीग्रेशन निकालने के लिए हम एक ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो वो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला कैसा होगा ये भी देख लो। ये जो होता है कॉस 2θ, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 2 cos² θ - 1। ओके, इससे हमें कॉस स्क्वायर थीटा जो मिलेगा वो मिलेगा 1 plus cos 2θ upon 2। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहां पे हमें सब्स्टिट्यूट करना है, तो हमें क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 1/2π। ओके, ये जो 2 है ये 2 यहां हम मल्टीप्लाई लेते हैं 1/2, और इंटीग्रेशन में क्या होगा 0 to 2π 1 plus cos 2θ और यहां रहेगा डी थीटा। ओके, उसके बाद क्या होगा, 1/2π × 1/2। ओके, ये जो रहेगा, अब इसको अगर हमने सॉल्व अगर किया तो यहां पे क्या होगा, यहां पे आएगा डी थीटा, यहां पे डी थीटा आएगा, डी थीटा प्लस कॉस 2θ डी थीटा, और उसका अगर इंटीग्रेशन अगर हमने किया तो हमें क्या मिलेगा, थीटा प्लस साइन 2θ अपॉन साइन 2θ अपॉन 2। यहां पे हमें क्या मिलेगा, साइन 2θ अपॉन 2, और ये यहां पे लिमिट हो गए 0 to 2π, यहां पे लिमिट क्या होगा 0 to 2π। अब हमें क्या मिलेगा, देखो 1/2π × 1/2 × 1/2। अब ये जो साइन 2θ और थीटा, अब हमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करना है, तो यहां पे हमें मिलेगा 2π मिलेगा, यहां पे हमें क्या मिलेगा, 2π मिलेगा। ओके, यहां पे हमें मिल रहा है 2π प्लस, अब यहां पे हमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करना है, और लिमिट अगर हमने सब्स्टिट्यूट अगर किया, थीटा की वैल्यू हमें 2π डालना है,
तो ये जो पूरा जो होगी टर्म, सेकंड टर्म जो है ये कंप्लीट क्या होगी, जीरो होगी। और साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो ही होती है। तो टू पाई डालने पे ये जीरो आ रहा है और जीरो सब्स्टिट्यूट करने पे भी जीरो आ रहा है, यानी यहाँ पे आएगा हमारा जीरो। तो हमारा फाइनल क्या होगा, ये टू पाई कैंसिल हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 1/2, यानी कॉस स्क्वेयर थीटा की जो एवरेज वैल्यू है वो क्या है, 1/2 है। तो सिंपल ऐसा प्रूफ है डियर स्टूडेंट, और हमारे टेक्स्ट बुक्स में डायरेक्ट दिया हुआ है, तो इसका सिंपल ऐसा मैथमेटिक्स है, तो इसको हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, आपके फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।